हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ऑफ बीपीएससीटी 135, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम अपनी ब्लॉक वन की यूनिट वन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूनिट वन में है वो है एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। आप सभी अपनी बुक्स में इसे मार्क कर लीजिए कि एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी पूछी जाती है। 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी पूछी गई है एग्जाम में। मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन भी कर दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एजम्पशंस बताने थे काइनेटिक थ्योरी के। सो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो कि आप बुक में भी देख सकते हैं। इन्हें जो मेन लाइन है जो कि हाईलाइटेड पॉइंट है, आप इन्हें भी लिख के आओगे तो आप अच्छा स्कोर जरूर करोगे। देन दीज आर सम एजम्पशंस टिल हियर, टोटल 9 एजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी के। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूनिट 1 इज मॉलिकुलर स्पीड्स। मॉलिकुलर स्पीड्स का जो फॉर्मुला है VRMS इज इक्वल्स टू रूट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 RT अपॉन m, जिसे हम KB भी लिख सकते हैं जो कि कांस्टेंट है। ये पूरा एक फॉर्मुला होता है जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। सो ये फॉर्मुला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यूज भी होती हैं फॉर डिफरेंट गैसेस एट 273 केल्विन, जो कि ये टेबल में मेंशन है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन पूछी जाती है और कार्बन, और 90% ऑफ द केस ऑक्सीजन हमें पेपर में पूछी जाती है। सो हम इसके VRMS की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 450 होती है। सो लेट्स मूव फर्दर फॉर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आप लोग भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम्पल SAQs और टर्मिनल क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं एज इट इज एग्जाम में। सो यूनिट 1 में जो एग्जाम्पल 1.1 है, जिसमें कि हमें डेंसिटी निकालनी है गिवन गैस की, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में भी पूछा जा चुका है और मैंने आप अपनी बुक में भी ये मार्क कर रखा है एज इंपॉर्टेंट। सो आप भी इसे जरूर करके जाना। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेग्नॉल्ड एक्सपेरिमेंट, और ये भी पेपर में आ चुका है एग्जाम में कि रेग्नॉल्ड एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉइंट्स बताइए कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कंडक्ट करने के बाद उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी। तो वो ये 3 पॉइंट हमें बताने होते हैं पेपर में और ये मस्ट डू है फॉर एग्जाम, कि आपको करके ही जाना है यूनिट 1 से। सो देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द अजम्पशंस ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन भी कर दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अजम्पशंस बताइए वैन डर वाल्स इक्वेशन के, जो कि 3 पॉइंट में लिख सकते हैं हम। और इसकी जो ये इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, इसकी डेरिवेशन आती है पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें इसका पीवी डायग्राम भी पूछ लिया जाता है कि इसका पीवी डायग्राम भी शो करके दिखाई। ये तो होती है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो होती है फॉर म्यू मोल्स ऑफ द गैस, और दोनों के लिए ही एग्जाम में डेरिवेशंस पूछ ली जाती है कि दोनों को ड्राइव करके दिखाइए। और ये इसकी वीडियो मैंने यूनिट 1 की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, एंड अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए यूनिट 1 में सो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। देन ये रहा पीवी डायग्राम, जिसकी मैं बात कर रही थी कि पीवी डायग्राम भी पूछ लिया जाता है कि वैन डर वाल्स इक्वेशन को पीवी डायग्राम शो करके दिखाइए। सो हाँ, ऐसा कुछ पीवी डायग्राम ड्रॉ होगा। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में 2 बार ही पूछा गया, एक बार भी नहीं ट्वाइस, 2 बार पूछा गया है, वो है 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाइज 192 cm³। आपने भी क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर के, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल SAQs, और देन टर्मिनल क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा हमें बुक के अंदर से ये क्वेश्चन मिलते हैं अपने एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन तो जरूर ही करके जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने यूनिट 1 से ये क्वेश्चन नहीं करा तो समझे आपने यूनिट 1 को ढंग से पढ़ा ही नहीं था। सो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि एग्जाम में दोबारा से रिपीट हो। सो लेट्स मूव फर्दर। सो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है, पर यूनिट 2 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहूंगी टर्मिनल क्वेश्चन में से, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5। ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये फिफ्थ तो मस्ट डू। जैसे कि मैंने CO2 वाला क्वेश्चन आपके लिए मेंशन करा था ना कि वो जरूर ही करके जाना है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5th भी जरूर ही करके जाना है। और ये क्वेश्चन भी 2 बार पेपर में आ चुका है, यस 2 बार पेपर में आ चुका है, और इसके भी हाई चांस है कि ये इस साल भी रिपीट हुए। सो ये क्वेश्चन भी आपको यूनिट 1 में से जरूर करके जाना है। सो लेट्स मूव टू आवर यूनिट 2। सो इन आवर यूनिट 2 इसमें भी हमें अजम्पशंस देखने को मिलेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के, जो कि आप रिवाइज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर पेपर में पूछा नहीं गया है। सो इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क तो नहीं करवाऊंगी, पर हाँ आपकी नॉलेज के लिए आप इसे रिवाइज करके जरूर जाना। लेट्स मूव फर्दर फॉर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यस, सो सबसे पहले क्वेश्चन जो कि यूनिट 2 में से इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है एग्जाम्पल 2.1। ये पेपर में भी आ चुका था और ये 10 मार्क्स में आया था, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही लेंदी इसकी क्वेश्चन है, तरह तरह के स्टेप्स हैं बीच में, और बहुत ही बड़ा है इसका आंसर, इसीलिए इसकी मार्किंग 10 रखी गई थी एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है पेपर में, किसे ड्राइव करके दिखाइए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाइए। सो वो डेरिवेशन ये बुक में मेंशन है, जो कि हमें ड्राइव करके दिखानी होती है, और इसके टोटल 5 स्टेप हैं, और ये लास्ट में ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करके दिखाना होता है। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, मैं स्क्रीन पे एक पिक्चर मेंशन करूंगी कि आप देख सकते हैं कि हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना था। सो लेट्स मूव फर्दर फॉर मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो हमारी यूनिट 2 का SAQ 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में भी रिपीट होता आया है 2 साल से, आप इसे भी बहुत अच्छे से करके जाना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप अच्छे मार्क अर्न कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमारी बुक में, जैसे कि SAQs हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जिनसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, पर हम उन्हें ही करके नहीं जाते हैं, जो कि हमारे लिए लॉस हो जाता है एक तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इन्हें जरूर ही करके जाना।
देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूनिट 2 इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इसके फॉर्मुले से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, पर इससे ज्यादा लॉ से ज्यादा हमें प्रिंसिपल पूछा जाता है पेपर में कि प्रिंसिपल बताइए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का. पर उससे पहले एक टर्म आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी डिफाइन पूछ ली जाती है. सो मैं आपको ये डिफाइन प्रेफर करूंगी ज्यादा, जो कि रिकैप के अंदर दी हुई है. आप इस डेफिनेशन को जरूर करके जाना, क्योंकि पेपर में पूछी गई थी डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम और कि कैसे डिफाइन करेंगे. सो ये बेस्ट डिफाइन है जो कि आप पेपर में लिख के आ सकते हैं और अच्छे मार्क अर्न कर सकते हैं. देन जिसकी मैं बात कर रही थी प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये पूछी जाती है विद डेफिनेशन कि प्रिंसिपल बताइए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का. सो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनिट 2. यहाँ पे भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. तो टर्मिनल क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. और ऐसे क्यूज में जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और आप अच्छे मार्क अर्न कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू आवर यूनिट 3. सो इन आवर यूनिट 3 सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पूछी जाती है, व्हाट इज मीन फ्री पाथ डिफाइन में. सो यू कैन लर्न द डेफिनेशन ऑफ मीन फ्री पाथ ताकि आप पेपर में लिख के आ सकें. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज SEQ 1, जो कि पेपर में एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन जरूर ही करके जाना आप. इन सभी की वैल्यूज पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सभी फॉर्मुला इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी हो, लैम्डा की निकालनी हो या टॉक की निकालनी हो, सभी तरह के फॉर्मुले इसमें ये कंसिस्ट करके रखता है. ये एक सिंपल क्वेश्चन और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये क्वेश्चन प्लीज़ जरूर करके जाना. सो देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम्पल 3.2, जिसमें कि हमें मॉलिकुलर डायमीटर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग ये करके जाना है. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें डायमीटर निकालना होता है और कोलिजन पर यूनिट निकालना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज SEQ 2, प्रेशर इन मीन फ्री पाथ, कि प्रेशर कैसे निकालते हैं और मीन फ्री पाथ कैसे निकालते हैं, जिसमें कि हमें KB की वैल्यू गिवन होती है एग्जाम में और नंबर ऑफ कोलिजन्स हमें निकालने होते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एनालाइज कर पाई हूँ, मैंने उन सभी में देखा है कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेरिवेशंस पूछी जाती हैं. थ्योरी तो बिल्कुल ना के बराबर ही पूछी जाती है. और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन जरूर करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपकी मदद हो सके, ताकि आप भी उन पेपर को देख के समझ के एनालाइज कर पाए कि हाँ सबसे ज़्यादा हमसे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ना कि थ्योरी पार्ट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ यूनिट 3 इज डेरिवेशन ऑफ सर्वाइवल इक्वेशन, जो कि पेपर में पूछी गई है और ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि यहाँ पे आके एंड होती है टिल हियर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे भी जरूर करके जाने यूनिट 3 में. देन लॉ ऑफ फ्री पाथ, जो कि SEQ 3 है, हमारी बुक में गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो अब मैं आगे जितने भी आप यूनिट 3 में क्वेश्चन या टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तो आपको करके ही जाने हैं जरूर, जिसमें कि विस्कोसिटी आती है और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी कैसी होती है, जो कि पेपर में पूछी भी गई है. मैं स्क्रीन पर भी मेंशन करूंगी कि कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, जो कि जून में भी रिपीट हुआ, दिसंबर में भी रिपीट हुआ, जिसमें कि हमें इफेक्ट बताना होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का, कि विस्कोसिटी पे कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है. यहाँ पे टिल द पेज नंबर 68 ये कुछ इफेक्ट थे, जो कि सबसे पहले ये पैराग्राफ एंड देन एट वेरी लो प्रेशर कैसे बिहेव करता है विस्कोसिटी के ऊपर, ये तो आपको जरूर ही करके जाने. देखिए मैंने बुक में भी हाईलाइटेड कर रखे हैं ये पॉइंट कि कितने इंपॉर्टेंट ही होंगे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमें लिख के आने होते हैं और ये हमारा थ्योरी पार्ट है जो कि एग्जाम में पूछा गया था. सो आप ये जरूर करके जाना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज एग्जाम्पल 3.6, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी के लिए हमें पूछा जाता है हीलियम के रिगार्डिंग. और देखिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है रिपीट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है जून में भी दिसंबर में भी, बैक टू बैक रिपीट हुआ, वो भी सेम क्वेश्चन यूनिट 3 से, और ये भी इंपॉर्टेंट है. और देखिए कितना बस फॉर्मुला लगाना था, फॉर्मुले में अपनी वैल्यूज पुट करनी थी जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया. और हम सबको पता है कि हमारे फिजिक्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है यूज़ करने के लिए, सो आप प्लीज़ कैलकुलेटर लेके जरूर ही जाना. और कोई कुछ नहीं कहता, एग्जामिनर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे साफ साफ लिखा होता है यू में यूज़ अ कैलकुलेटर, सो आप कैलकुलेटर जरूर लेके जाना साथ में. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेल्फ डिफ्यूजन. सेल्फ डिफ्यूजन की डिफाइन पूछी जाती है कि सेल्फ डिफ्यूजन होता क्या है, और इसका एक एग्जांपल बता दीजिए साथ में डिफाइन करते हुए. ये भी एक थ्योरी पार्ट है जो कि यूनिट 3 में से पूछा जाता है. यूनिट 3 में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि यूनिट 3 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स थे रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्मिनल क्वेश्चंस में थे, सो क्वेश्चन नंबर 4 ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में टर्मिनल क्वेश्चन में से, जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया एग्जाम में, सो आप ये जरूर करके जा सकते हैं. सो चलिए अब हम अपनी यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं. यूनिट 4 में हमें पूछा गया था ब्राउनियन मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में, जो कि बहुत ही आसान है. कुछ ही स्टेटमेंट में सारी कैरेक्टरिस्टिक ब्राउनियन मोशन की हम याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं एग्जाम में. सो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन यूनिट 4. देन द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन, जो कि एग्जाम्पल है ब्राउनियन मोशन का, जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया था, और मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है मस्ट डू फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेडिमेंटेशन होता क्या है, इसके क्या प्रोसेस होता है. सो ये बुक में तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी वे में गिवन है, मैं आपको अपनी शॉर्ट नोट प्रोवाइड करती हूँ इस वीडियो में, तो आप उनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेडिमेंटेशन, आप ऐसे डिफाइन लिखना पहले उसकी कि ये सेडिमेंटेशन होता है, आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है शो करने के लिए,
मैंने कॉपी में भी मेंशन कर रखा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ से आप कुछ स्टेटमेंट जैसे कि मैंने लिख रखी है, मेंशन कर रखी है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है। ऐसे करके आपको मेंशन करनी है और यहाँ पे आके हमारी ये सेडिमेंटेशन की स्टेटमेंट खत्म होती है, जो कि बुक में बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स में मेंशन की हुई थी कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस बताइए विद डिफाइन एंड विद डेरिवेशन। सो मैंने आपको यहाँ पे अपनी कॉपी में भी आपको मैंने शो कर दिया है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देम। और इस यूनिट में से लास्ट चीज़ जो पूछी जाती है वो है पेरेंट्स मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं स्क्रीन पर फोटो मेंशन कर दूंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसमें भी देखिए कितने ज़्यादा लेंथी वे में हर चीज़ समझा रखी है, पर मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, आप उसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा पेरेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर, ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सिर्फ एक पेज का ही आंसर है। चल हियर, यहाँ पे ये आंसर खत्म हुआ, ये 5 मार्क्स में पूछा गया था। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 4 पूरी होती है। यूनिट 4 में से और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक और नहीं है। और यहाँ पे हमारी ब्लॉक 1 भी पूरी होती है। सो अब हम अपनी ब्लॉक 2 पे आ चुके हैं, जिसमें कि मैं आपको अब यूनिट 5 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करूँगी वीडियो में। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में डिफरेंशिएशन पूछी जाती है, और एक एग्जांपल पूछा जाता है क्लोज और आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम से भी, जो कि आप एग्जाम में याद करके जा सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, सो ये भी आप जरूर करके जाना। अब क्लोज सिस्टम के बाद में जो एग्जाम में पूछी गई है डिफाइन, वो है आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। और विद एग्जांपल पूछते हैं एग्जाम में, और मैं स्क्रीन पर मेंशन भी कर दूंगी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है रिपीट, मतलब ये पेपर में भी रिपीट हुई है 2 से 3 बार, जून में सेशन में भी और दिसंबर सेशन में भी। सो ये तो आपको जरूर ही करके जानी है। और विद एग्जाम्पल मांगते हैं कि डायथर्मल बाउंड्री के बारे में बताइए क्या होती है विद एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल टी पॉट है। देन एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है, एडियाबैटिक बाउंड्री भी पूछी गई एग्जाम में, स्क्रीन पर मेंशन करूंगी कि आप देख सकते हैं उसमें कि एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है, डायथर्मल बाउंड्री क्या होती है विद एग्जाम्पल में बताना होता है। सो इन सबके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सामने लिख रखे हैं, और ये चारों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमारी जो यूनिट 5 है बहुत ही ज़्यादा मार्क कंटेन करके रखती है अपने अंदर, और इसमें नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पूछी जाती है व्हाट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल के बीच में, जिसकी एक टेबल हमें बुक में भी गिवन है। हम ये डिफरेंशिएशन गिवन है इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल के बीच में, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है डिफरेंशिएट करने के लिए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 5 का, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, जो कि पेपर में पूछा गया है कि रिप्रेजेंट करके दिखाइए आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस को, जो कि हम ऐसे शो कर सकते हैं ग्राफ बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ग्राफ विद डिफाइन लिखनी होती है कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस की डिफाइन भी लिखनी होती है इनके साथ ही साथ, और ग्राफ भी मेंशन करने होते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी यूनिट 6 की तरफ। सो हमारी यूनिट 6 जो कि 0th लो के ऊपर है, उसमें 2 से 3 मैक्सिमम चीज़ पूछ ली जाती है पेपर में, और उससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। सो इसमें जो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है 0th लॉ की स्टेटमेंट, जो कि आपको पेपर में लिखनी होती है कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट करिए। सो आप इसकी स्टेटमेंट याद करके जा सकते हैं। इस चैप्टर से पूछा जाता है वो है एग्जाम्पल 6.1 आइसोकोरिक प्रोसेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, जो कि आप पेपर के रिगार्डिंग करके जा सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ वो पूछी जाती है, वो पूछी जाती है प्रूफ दैट फॉर अ पीवीटी सिस्टम DV/V इज इक्वल टू αdt - βtdp, इसे हमें ड्राइव करके दिखाना होता है। ये टर्मिनल क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन है, सो आप इसे भी मार्क कर सकते हैं। मैंने आपको यूनिट 3 और यूनिट 5 में भी एक्सप्लेन करे थे बहुत सारे टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, वैसे ही यूनिट 7 में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, वो भी रिपीट पे हर साल पूछ ली जाती हैं, चाहे वो जून सेशन हो चाहे दिसंबर सेशन हो। और ऐसे ही यूनिट 7 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी यूनिट पेपर में जितने भी वेटेज होती है वो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और उनकी मार्किंग सबसे हाई है कि अगर आप ये ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 यूनिट 7 तक पढ़ के भी जाते हैं तो पासिंग मार्क्स लाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि 60% ऑफ द पेपर ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 से आता है, बाकी 40% ऑफ द पेपर ब्लॉक 3 एंड 4 से आता है। सो यूनिट 7 में मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कि नेचर ऑफ हीट में आप ये कुछ स्टेटमेंट है मैंने हाईलाइटेड कर रखी है, आप इन्हें पढ़कर जा सकते हैं, ये फॉर योर नॉलेज ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आगे मेंशन करूंगी जिसमें मैंने लिखा होगा इंपॉर्टेंट, वो आप अपनी बुक में मेंशन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। पर ये कुछ स्टेटमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़कर जा सकते हैं। नाउ फॉर वर्क, वर्क के लिए 3 पैराग्राफ जो गिवन है विद स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ के जा सकते हैं कि इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इन स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए रिगार्डिंग इंटरनल वर्क ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड मैनी मोर। सो ये भी आप पढ़कर जा सकते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो में आगे मेंशन करती हूँ। अगला क्वेश्चन यूनिट 7 में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये 5 मार्क्स में पूछा गया है और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इंपॉर्टेंट, और ये हमें वैल्यू या इक्वेशन कह सकते हैं आप हमें ड्राइव करनी होती है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन मार्क इन योर बुक्स कि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको करके जानी है। देन एग्जाम्पल 7.2, ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया है और मैंने मेंशन कर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और जो कि कितना आसान है क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मुला पुट करना है और वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर आ जाता है। नाउ ये भी 5 मार्क में पूछा गया है पाथ डिपेंडेंस ऑफ वर्क एंड हीट, क्या वर्क इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टेट, ये मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन करूंगी फोटो कि ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड हीट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टेट, इसके रिगार्डिंग फिर हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि ऐसा क्यों है।
सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन हम पहुंचते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की तरफ. थर्मोडायनेमिक में हमसे पूछी जाती है मैथमेटिकल फॉर्म एग्जाम में, और ये भी पूछी गई है, मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन करती चलूंगी हर चीज, कि हमें मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट लॉ की, जो कि ये रही. ये भी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 135 पे मेंशन है, और इसके आगे भी है पेज नंबर 136 पे कुछ स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्म की, टिल दिस लाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. देन जो कि पेपर में पूछा गया है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 7 से, और इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें और उसे एनालाइज करने बैठें. सो आप देखेंगे कितनी वेटेज है यूनिट 7, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 की, कि मोस्टली क्वेश्चन तो इन्हीं यूनिट में से पूछे गए हैं. सो हम इन्हें ही क्यों नहीं अच्छे से बेहतर पढ़कर जाएं, रिवाइज करके जाएं, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें एग्जाम में. देन एग्जाम्पल 7.3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप ये क्वेश्चन भी जरूर करके जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेयर्स फॉर्मुला, जिसकी डेरिवेशन हमसे पूछी जाती है, वो भी 10 मार्क्स में. आप देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा वेटेज है यूनिट 7 के, कितने न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, कितनी स्टेटमेंट पूछ ली जाती हैं, और फिर हमसे डेरिवेशन भी पूछी जाती हैं, जो कि यहाँ से शुरू हुआ है एंड देन इट एंड्स हियर. सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ये हमें इक्वेशन लानी होती है लास्ट में, जो कि मेयर्स फॉर्मुला होता है, और ये 10 मार्क्स में पूछी जाती है, और बहुत ही ज्यादा लेंदी और बहुत ही यूज डेरिवेशन है, जो कि हमें पेपर के रिगार्डिंग करनी होगी. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट इन योर बुक. देन आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 140 में SAQ 6 यूनिट 7 में, जो कि ए एंड बी पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, इतना सी पार्ट भी नहीं है जितना ए और बी पार्ट पूछा जाता है एग्जाम में. सो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. SAQ 9, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इतने क्वेश्चन हमसे टर्मिनल क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते, जितने हमें बुक के अंदर से ही पूछ ले जाते हैं, जो कि SAQs को हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, कि ये तो बस बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, पर बच्चे इसी में ही मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन जो है वही एज इट इज सेम टू सेम पेपर में पूछ ले जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन तो था ही नहीं टर्मिनल क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लास्ट के क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हमारे जो SAQs दिए हुए होते हैं या एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं बुक के अंदर ही, हम वही रिवाइज करके नहीं जाते, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक बन जाती है हमारे आगे पेपर में. सो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, और ये क्वेश्चन तो जरूर ही करके जाना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ही स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, और अब यूनिट 7 में से जो टर्मिनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8. और क्वेश्चन नंबर 8 तो एग्जाम में पूछा भी गया है, दो बार पूछा गया, एक जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में. सो ये दो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टर्मिनल क्वेश्चन से रिलेटेड, और यहाँ पे हमारी यूनिट 7 भी एंड होती है, और हमारी ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 भी यहाँ पे फिनिश होती है. सो अब मैंने आपको ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 के बारे में बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस मेंशन करूंगी. आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 की वीडियो भी चाहिए, सो मैं जरूर ही ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगी. एंड आप कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल द बेस्ट and thanks for watching.